लूट का शासन था ये, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति क्या है, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हिमाचल को हम दिवालियापन पे ले जा रहे हैं, कि टेंट भी सरकारी और भीड़ भी सरकारी, बसें भी सरकारी, ऐसा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये जो इतिहास जयराम जी ने लिखा है, ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिखा। नहीं देखिए, जब भी टिकटों के आवंटन का समय होता है, बीच में एक पॉज आता है। हमेशा से कभी भी चुनाव होते हैं तो आप हमेशा से देखते रहे हैं कि जैसे ही टिकटों के डिक्लेरेशन की दौर आती है और डिस्कशन शुरू होती है, तो उस समय जो है प्रचार हर पार्टी का ही इतना धीमा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सरकारी तंत्र पे रैलियां कर रही थी, और आपने देखा कि जैसे ही सरकारी तंत्र हटा, पहली रैली ही उनको रद्द करनी पड़ गई प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि अपने तौर पे रैली कराने की तैयारी नहीं थी। सरकारी तौर पे रैलियां करवाई जा रही थी, जिसमें हजारों बसें HRTC की लगाई जा रही थी, बकायदा परफॉर्मेंस बना दिए गए थे। पिछले लगभग 3-4-6 महीने से HRTC बसेस के परफॉर्मेंस बने हुए हैं, किस गांव में कौन ड्राइवर कंडक्टर जाएगा, कौन पंचायत का सेक्रेटरी जाएगा उनके साथ, कौन सा ग्राम सेवक जाएगा, कौन सा पटवारी जाएगा उनको भर के लाएगा, और क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज हुआ है, आपराधिक श्रेणी में आता है ये जो पिछले कुछ अरसा में इन्होंने किया है, कि टेंट भी सरकारी और भीड़ भी सरकारी, बसें भी सरकारी, ऐसा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये जो इतिहास जयराम जी ने लिखा है, ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिखा। और 500 करोड़ रुपए की आपराधिक बर्बादी की गई है पिछले 6-8 महीने में, वैसे तो पूरे समय ही बर्बादी होती रही। आज जब पूरे प्रदेश से होर्डिंग हट रहे हैं, और आप देखिए कि आखिरी दिन तक होर्डिंग लगाते रहे, जबकि पता है कि एक दिन के बाद कोड लगना है, फिर भी होर्डिंग्स लगाए जाते रहे। और इसलिए जो है ये जो अमृत महोत्सव के नाम से बर्बादी की गई, कहने को अमृत महोत्सव था तो, लेकिन काम तो सारा राजनीतिक था, और SDMs के थ्रू सारी पेमेंटें की गई हैं, क्योंकि एक मुश्त यहाँ से करते तो एक आंकड़ा आ जाता, तो अलग अलग SDMs को हर रैली का पैसा दिया गया है। खाने के बिल खड़े हो गए हैं कि जहाँ पे ये रैलियाँ हुई हैं वहाँ पे लाखों लाखों रुपए के खाने के बिल भाजपा वर्करों के अब सरकार को देने हैं, और यहाँ पे लगभग 10-15 करोड़ रुपए की तो पेंडेंसी हो गई है कि वो लोग भाग रहे हैं कि हमारा पैसा कौन देगा। अब भाई जिन्होंने खिलाया उन्होंने देगा, सरकार तो बदल जाएगी, सरकार तो अगले महीने बदल जाएगी, तो जिन्होंने ये खाना खिलाया है पैसे तो या तो वो देंगे या वो SDMs देंगे जिन्होंने ये ऑर्डर्स किए थे, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप जो है प्रधानमंत्री जी की रैलियों से लेके, भाजपा नेताओं की रैलियों से लेके, और उसके बाद अमृत महोत्सव के नाम से लेके, और इससे पहले वो हुआ करते थे इनके मंच, उन मंचों के ये अगर सारा पैसा जोड़ लिया जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपया जो है जयराम सरकार ने इस प्रदेश की अपराध सरकारी खजाने की लूट, और लूट का शासन था ये, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति क्या है, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि हिमाचल को हम दिवालियापन पे ले जा रहे हैं एक, और इन्होंने प्रधानमंत्री के सारे दौरे करवाने के बाद भी। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।